नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, बिहार में जो इंतखाबात के नतीजे आए हैं उसमें MIM के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सीमांचल के इलाके में MIM ने पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये पिछले इलेक्शन से वहाँ पे काफ़ी मेहनत हो रही थी और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे थे और गुज़श्ता 5 साल तक उन्होंने वहाँ काफ़ी मेहनत की और वहाँ के लोगों से राबता रखा, ख़ास तौर से सीमांचल के इलाके में कि जहाँ पे मुस्लिम राय दहिंदगान का फ़ीसद बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो अख्तरुल ईमान हैं, जो इनके सदर हैं, वो भी वहाँ पे मुस्तकिल लगे रहे और मैं समझता हूँ उसी का ये नतीजा है कि वहाँ पे 5 सीटें यानी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ पे सीटें हासिल की हैं। 21-22 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे, तो अगर 25% उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हम इसको देख सकते हैं, मान सकते हैं। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो 5 अराकीन असेंबली कामयाब हुए हैं वो यकीनन असेंबली में पहुंच करके आवाज़ उठाएंगे और सीमांचल की जो पसमानदगी है, वहाँ की जो खस्ताहाली है, क्योंकि ये सही बात है कि हुकूमतें तो रही हैं लेकिन वहाँ की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी, जो आवाज़ उठनी चाहिए थी, शायद असेंबली में नहीं उठी। क्या उसके असबाब रहे? हालांकि दूसरे लोग भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम ही ज़्यादातर इन इलाकों से जीत करके जाते हैं, लेकिन वो क्यों आवाज़ नहीं उठाते? पार्टी का दबाव रहता है, क्या रहता है? और आप ये देखना होगा कि MIM जो बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़े बड़े वायदे करती है, तो हो सकता है कि वहाँ पे माहौल चेंज हो और ये 5 अराकीन सीमांचल की आवाज़ बुलंद करें और उससे कुछ फ़ायदा हो, कोई रास्ता निकले। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब कम से कम बिहार असेंबली में मुस्लिम की नुमाइंदगी अच्छी तरीके से हो सकेगी और ये बहुत अच्छा फ़ीसद है। अब ये बाकायदा जो है हिस्सेदारी होगी, जो भी असेंबली में उमूर होंगे इनको मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा फ़ीसद है। 243 में 5 सीटें इन्हें आई हैं, तो अब इन्हें असेंबली में बाकायदा जो है वो ऑफिस भी मिलेगा और उनके लोग वहाँ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये एक अच्छी शुरुआत हम ये कह सकते हैं। बाकी चीज़ें तो जो हैं वो हैं, लेकिन MIM के लिए बहरहाल ये खुशाइंद है कि उन्होंने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जी मुमताज़ साहब, क्या अजीम इत्तेहाद की शिकस्त की वजह MIM है? देखिए, ये बातें कही जा रही हैं और कल मैं एक कार्टून भी देख रहा था कि जिसमें असदुद्दीन ओवैसी को हाफ पैंट पहनाया गया, यानी RSS का, और दो लोग पकड़े हुए हैं गोया कि एक अमित शाह और मोदी, और कह रहे हैं कि चलो अब बंगाल चलो, चलो अब आसाम चलो, इस तरीके से वो दिखाया गया है, लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ। देखिए, अगर आप 2019 में जाइए तो वहाँ तो उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, फिर एक भी सीट कांग्रेस या RJD क्यों नहीं जीत पाई थी, ये एक अच्छा सवाल है। इसी तरीके से UP में अगर आ जाइए तो UP में तो सब ने इत्तेहाद कर लिया था, वैसे तो नहीं आए थे, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी, कांग्रेस को कामयाबी क्यों नहीं मिली थी, राहुल गांधी क्यों हार गए थे अमेठी में, वहाँ तो वैसे नहीं गए थे, तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और फिर बहुत सारी पार्टियाँ भी, सबको इख्तियार है, अगर उसको लगता है कि 20-25 सीटों पर लड़ें, या तो फिर चाहिए था कि जब आप गठबंधन कर रहे थे तो कम से कम OIC से बात करते, उनको उस लायक सीटें देते। कांग्रेस ने 70 सीटें ली, क्या फ़ायदा हुआ 19 सीटों पर, यानी जो पिछले 40 सीटों पर लड़े थे तो
27-28 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी, इस बार 70 सीटों पर लड़े तो महज 19 सीटों पर कामयाबी हुई। अब इसके ये कहा जाए साहब वो तो ओवैसी ने तो ओवैसी तो 15 में भी लड़े थे, फिर आप क्यों कैसे कामयाब हो गए थे इस बार? हाँ फर्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहता फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्क पड़ता है तो फिर उनको वेटेज दीजिए, उनको अपने साथ लाइए। अगर आप उनको अपने साथ नहीं ला पा रहे हैं तो ये भी आपकी नाकामी है, क्यों आप उनको साथ नहीं रख पा रहे हैं? तो कम से कम जो सेकुलर पार्टीज हैं, जब आप या तो आप ये समझते हैं कि आपके मैं जो हूँ वो कोई नहीं है, और इनके होने न होने से क्या होगा, तो हर कोई अपने वजूद को मनवाता है। फिर ये जमहूरियत है, जमहूरियत में ये तो नहीं हो सकता साहब कि वो न लड़ें और दो पार्टियाँ लड़ें, सबको इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। जैसे आपने RJD के साथ आपने अलायंस किया, जैसे आपने लेफ्ट पार्टियों के साथ अलायंस किया और उनको सीटें दी, वैसे आप ओवैसी की पार्टी के साथ भी अलायंस करते, अच्छा अलायंस करते, उनको वहाँ की सीटें देते जहाँ से वो लड़ रहे थे। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, बिल्कुल ये कि नज़रअंदाज कर देना और मुसलमानों को अछूत बना देना और उनको टिकट न देना और उनको स्टेज पे न लाना, उनको मंशूर में न शामिल करना, उनका जिक्र भी न करना, तो ये तो फिर जब आप करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अब उसमें BJP जीत जाए चाहे जो जीत जाए, इसको तो कोई नहीं देखेगा ना? किसी की हार और किसी की जीत देख करके तो इलेक्शन नहीं होता है, इलेक्शन तो हर आदमी अपने वजूद को मनवाता है ना? कोई ना कोई रास्ता, तो मैं नहीं समझता कि उसको ब्लेम इस तरीके से किया जाए। वो भी एक पार्टी है और उसको भी इख्तियार है, और ये बिल्कुल सही है। देखिए आप कि जब सब चुप हो जाते हैं, चाहे वो पोलराइजेशन हो और चाहे जो हो, लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं मुस्लिम पर, जब जुल्म होता है मुसलमानों पर, तो ओवैसी बोलते हैं। अब उसका चाहे जो इम्पैक्ट हो, अब कोई ये कहते साहब कि वो तो BJP की वजह से बोलते हैं, अच्छा तो क्या ना बोलें? मतलब कुछ भी हो जाए, आप बताइए कि दलित, अगर दलित की लिंचिंग की जाए तो सारे लीडर दौड़ के पहुंच जाते हैं, और अगर मुसलमान लिंच किया जाए तो कोई नहीं जाता, साहब पोलराइजेशन हो जाएगा, सब दुपक के बैठ जाते हैं चाहे जितने बड़े सेकुलर लीडर हों। इसका गवाह मैं एज ए जर्नलिस्ट ये बात कर रहा हूँ, और मैं कोई हिमायत नहीं कर रहा हूँ ओवैसी की या किसी पार्टी की, लेकिन वो शख्स तो जाता है दौड़, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो UP हो, चाहे जो, वो शख्स बोलता भी है खुल के। अब आप कह लीजिए साहब ये तो जुगलबंदी है, तो जुगल तो भाई सियासत तो है ही है ना, हम ये कब कह रहे हैं कि सियासत नहीं है, और सियासत को सियासत की तरह करनी पड़ेगी भाई। अगर BJP ने उनकी हिमायत हासिल कर ली, बकौल जो तबसरा निगार है मैं उनके कह रहा हूँ, तो आपने क्यों नहीं हुआ इसी की हिमायत हासिल कर ली? आप कर लेते, आपने क्यों नहीं किया? आपको कर लेना चाहिए था, तो आप क्यों नहीं कर सके? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सब बातें ठीक नहीं हैं, और ये सियासत है। आपको भी उसी तरीके की सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी जैसा कि BJP ने की। आप सोशल इंजीनियरिंग में नाकाम रहे तो अपनी नाकामी को मानिए, किसी को ब्लेम मत दीजिए। जी उम्दा साहब, MIM ने आसाम, मगरबी बंगाल और UP में इलेक्शन लड़ने की बात कही है, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए इसको मैं बिल्कुल सियासत की तरह देखता हूँ और इलेक्शन की तरह देखता हूँ। एक वो पार्टी है, उसके अपने लोग हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ मैं देखता हूँ कि तमाम जाती हैं। तो MIM भी अब निकल रही बाहर, अब उसके नाम पे एतराज़ हो सकता है कि चूँकि वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से है, तो ये नाम तो नाम से देखिए नाम ओम से अब कुछ हो नहीं रहा है, और वो अलग अलग वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को टिकट भी देते हैं, और अभी आपने देखा कि वो कुशवाहा के साथ मिलकर के इलेक्शन भी लड़े, तो बहरहाल वो अपना करते हैं और बंगाल में भी जाएंगे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो आसाम भी जाए और UP भी आए, और अब तो ज़रूर जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर 5 उनको कामयाबी मिली है तो कौन है जो ये नहीं चाहेगा कि उसके पूरे मुल्क में हुकूमत हो। 5 असेंबली जीते हैं तो अब वो चाहेंगे कि जब लोकसभा के इलेक्शन हो तो उनका मेंबर पार्लियामेंट भी, जैसे मुंबई से जीत के गए वहाँ से भी जीत के जाए। तो हर आदमी, हम भी अगर होते तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती कि अगर हम पार्टी चला रहे हैं, अगर हम पार्टी, हम भी यही चाहते कि हमारा दायरा बढ़े, हमारे लोग बढ़े, कौन नहीं चाहता है।
अब उसको ये किताब कि इनकी वजह से वो हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है और इनकी वजह से, तो भाई आप क्या कर रहे हो, आप उनको साथ ले लो, आप उनको उतनी हिस्सेदारी दो जितनी वो मांग रहे हैं। किसी के वजूद को ख़त्म कर देने से असल में कुछ होता नहीं है, और जिस तरीके से सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को हाशिए पर पहुंचाया है वो भी तो देखने वाली बात है। क्यों उनकी अहमियत कम कर दी गई? सिर्फ आप भी तो यही डर रहे हो ना, आपको लगता है कि मुसलमानों की बात करने से पोलराइजेशन होगा। भाई पोलराइजेशन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, और फिर ये तो कोई बात नहीं कि मुसलमानों के साथ ज़्यादा इंसाफ ना करो, मुसलमानों को ज़्यादा हक़ की बात ना करो, मुसलमान तो अन्ना साहब पोलराइजेशन। अरे तो भैया आप हिंदू ही की बात कर लीजिए, आप बिल्कुल हिंदुत्व कार्ड खेल लीजिए, आप जो जो समझ में है वो कर लीजिए, लेकिन हर आदमी का अपना इख्तियार है, तो इसलिए वैसी का अपना एक तरीका है। अब उसको आप चाहे जो नाम दे लीजिए, मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ऐसी कोई बात। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन आज हम उनसे बिहार नतीजे के बारे में बात कर रहे थे। बिहार में MIM के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, इस बारे में हमने मुमताज़ साहब से सवालात किए थे। दूसरा सवाल हमने मुमताज़ साहब से किया था, ये जो अजीम इत्तेहाद की शिकस्त हुई है इसकी वजह कहीं MIM तो नहीं है। तीसरा सवाल हमने मुमताज़ आलम रिजवी साहब से किया था कि MIM ने आसाम, UP और मगरबी बंगाल में इलेक्शन लड़ने की बात की है, इस चीज़ पर मुमताज़ आलम रिजवी साहब ने खसूसी तबसरा पेश किया है। तो नाज़रीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।